फ्रेंड्स हमने इसे एक टीका लगा लिया है, एक और लगेगा अभी। और ये बिल्कुल रोहिणी, ये पता नहीं इसे क्या हुआ, ये रोहिणी बिल्कुल भी। ये देख, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मालविकन भाविया ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 10 बज रहा है और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं भाविया को टीका लगाने, क्योंकि वो हो गई है 1.5 साल की। और 1.5 साल में एक टीका लगता है बच्चों को, उसके बाद सीधे 5 साल में लगता है। तो अभी हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत भीड़ होगी, आज है बुधवार। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। भाविया, आज तो तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, आज बहुत रोने वाली है। कितना खुश होना है, होले भाविया, आज तो तुम्हें टीका लगने वाला है। सारे बाल कैसे हो गए, हवा चल रही है आज यहाँ पे। फ्रेंड्स हम बहुत देर से रिक्शे की लाइन में लगे थे और अब जाके हमारा नंबर आया है। चलो मम्मा भी आ रही है, बेचारी मेरे बच्चा अभी नाने कुत्ता तक नहीं नाने कुत्ता। फ्रेंड्स हम फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। जब हमारा नंबर आएगा तब हम अंदर जाएंगे। फ्रेंड्स हमने इसे एक टीका लगा लिया है, एक और लगेगा अभी। और ये बिल्कुल रोहिणी, ये पता नहीं इसे क्या हुआ, ये रोहिणी बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ पे लगा है इसका टीका, एक मिनट ऐसे करो ऐसे करो। ये देखिए यहाँ पे लगा है इसका टीका और अभी हम इसे कुछ खिलाने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इसको एक कुछ खिलाने के बाद एक दूसरा टीका लगने वाला है। फ्रेंड्स हमने ये वेस्ट थोपा ऑर्डर किया है और ये छोले समोसे ऑर्डर किए हैं, बट आज ये बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए अच्छे नहीं हो रहे हैं। और इससे मैंने दिया है केला। क्योंकि ये बाहर की चीज़ें नहीं खा सकती अभी, इसका डाइजेस्ट सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन सब चीज़ों को पचा सके। फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ चुके हैं और 5 बज गया है और अभी हम जस्ट घर पहुंचे हुए हैं। और हमें एक काम और करवाना था, एक हमारे यहाँ बच्ची रहती है छोटी, 12-13 साल की होगी, तो उसका एक चश्मा था वो ख़राब हो गया था, ये टूट गया था, तो वो बहुत टाइम से सही नहीं करवा पा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि वैसे तो मैं भी इतने पैसे वाली नहीं हूँ, बट मुझे हेल्प करना लोगों की अच्छा लगता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं बना लाऊँगी, मुझे दे देना। तो मैंने कुछ पैसे सेव किए थे तो उसमें मैं इसके फ्रेम सही करवा के ला गई हूँ। अगर कोई अच्छा काम करने जाओगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। तो
इसलिए अंकल ने भी ज़्यादा पैसे नहीं लिए मुझसे इसके, तो मैं अभी उसे बुलाया है, मैं उसे अभी देती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो चलिए गाइस, अभी हम आ गए हैं, चेंज कर लिया है, तो अभी हम लोग चाय वाय पीते हैं, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ा देर बाद, क्योंकि आजकल रोज ही चल रहे ना। सीधे गुब्बारा उठाया सुल्तान, सुल्तान तुम्हारे भी रोजे चल रहे, कितना क्यूट है ये, ऐसे ठीक है। हाँ सही है, अच्छा दिख रहा। वेलकम, मतलब वही होगा ना। हाँ मैं दूसरा बना दूंगी तुम्हारे लिए। हाँ वो कह रहे थे कि ये तो बहुत ही वो है, इतना छोटा तो बनता ही नहीं, कब बनाए कह रहे थे वो। फ्रेंड्स रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग खाना खा चुके हैं और भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, 2 घंटे हो गए उसे रोते रोते। उसका पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि उस टाइम तो उसे पता नहीं चला, उसके बाद अभी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। और फ्रेंड आप भी बताइएगा, जब 1.5 साल के बच्चे को टीका लगता है तो क्या कहते हैं उसको, फीवर आता है या नहीं? इसको तो बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं सोने, और फ्रेंड्स आप मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो रही है। मैंने क्योंकि उसे भाविया को पकड़ा हुआ था और बहुत मुश्किल से उसे मैंने थोड़ा खाना वाना खिलाया। क्या नहीं रोते अब सही हो जाएगी बाबू, नहीं रोते। अच्छा अच्छा, इसको जहाँ पे सुई लगी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए रो रही है। बेचारी बच्ची है, कितना सहेगी। तो मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपको मिलती हूँ कल के एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।